कि जिसके पूर्वज का यजोपवीत संस्कार खुद महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने हाथों से किया हो, वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में नास्तिक नहीं हो सकता। अगर किसी भी देश को बर्बाद करना है तो उसकी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर दीजिए, देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज पूरे भारतवर्ष में युवाओं के सबसे बड़े हीरो हैं, सबसे बड़े आइडियल हैं बलिदानी भगत सिंह जी। आज भगत सिंह जी के विचार देश के युवाओं के शरीर में खून की तरह दौड़ते हैं। आज उन्हीं बलिदानी भगत सिंह जी के बारे में एक ऐसी बात प्रसारित की जाती है कि जिससे देश का युवा अपने रास्ते से भटक जाए और आने वाले भविष्य में वो देश के लिए दीमक बन जाए जो अपने आप इस देश को खत्म कर देगी। आज भगत सिंह जी के बारे में षड्यंत्र के तहत, एजेंडे के तहत एक गलत बात प्रचारित की जाती है कि भगत सिंह जी नास्तिक थे, वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, परमात्मा से उनका कोई लेना देना नहीं था। और ये सब षड्यंत्र करने वाले लोग एक बात का प्रमाण देते हैं कि उन्होंने एक लेख लिखा था कि मैं नास्तिक क्यों हूं। भगत सिंह जी ने ये लेख लिखा वो किन परिस्थितियों में लिखा, देश विदेश में उस समय क्या स्थिति थी, ये कभी भी ये लोग, ये षड्यंत्र करने वाले लोग आपको नहीं बताएंगे। वो कभी भी नहीं बताएंगे कि उस समय दूसरे देशों में, रशिया में, चाइना में भी क्रांति हो रही थी और उस समय वहां के क्रांति के नेता थे लेनिन, स्टालिन। ये वो नेता थे जो अपने देशों में क्रांति लेकर आ रहे थे और वहां के लोगों की विचारधारा ही ऐसी है, वो है ही नास्तिक। तो भगत सिंह जी क्या करते थे, भगत सिंह जी उस समय पूरे विश्व के जहां भी पर भी क्रांति हो रही थी वहां की चीजों को पढ़ते थे। अ गुड लीडर इज ऑलवेज अ गुड रीडर। हम सभी जानते हैं कि भगत सिंह जी एक गुड लीडर थे, एक अच्छे लीडर थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक अच्छे रीडर भी थे। वो चीजों को पढ़ते थे, समझते थे, दूरदर्शी थे। तो वो उस समय जहां पर भी क्रांति हो रही थी वहां से सोच को लेकर आते थे, आइडियाज लेकर आते थे। तो वो इसी के लिए भी लेनिन, स्टालिन जैसे नेता को भी पढ़ रहे थे कि कोई हम आइडिया वहां से ले ले ताकि हम भारत को अंग्रेजों से जो है आजादी दिला सके। लेकिन इस बात से ये प्रमाणित नहीं होता है कि वो उनकी विचारधारा को भी फॉलो करते थे। अगर वो कुछ चीज पढ़ रहे हैं या मैं और आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो ये इस चीज को वेरीफाई नहीं करता है कि हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं, हम जिस व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, हम उसकी विचारधारा को भी फॉलो करते हैं। ये लोग अपना षड्यंत्र फैला रहे हैं और इनका बस सिर्फ इतना ही है कि ये देश के युवाओं को नास्तिक बना सके ताकि आगे चलकर वो देश को बर्बाद कर दे। इनको ना तो भगत सिंह जी के बलिदान से कुछ लेना देना है, ना भगत सिंह जी से कुछ लेना देना है। इनको बस ये है कि भगत सिंह जी इस देश के युवाओं के हीरो हैं, तो इन्होंने उस चीज को पकड़ लिया और उनकी एक चीज को पकड़ लिया कि उनका जो लेख है। मैं आपको प्रमाण देता हूं कि जब भगत सिंह जी पढ़ रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने अपने परिवार वालों से, अपने दादाजी से पत्र लेखन के समय, उस समय लेटर चलते थे, तो पत्र के जो है माध्यम से काफी बार बात की और उन्होंने अपने पत्र की शुरुआत ओम जैसे पवित्र शब्दों से की। उन्होंने अपनी बात रखने के लिए परमात्मा, ईश्वर जैसे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। वो पत्र आप देखिए प्रमाण के तौर पर, उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जो बहुत कम लोगों को पता होगी। ये पत्र भगत सिंह जी ने अपना परीक्षा परिणाम अपने दादाजी को बताने के लिए लिखा था, जिसकी शुरुआत उन्होंने ओम जैसे पवित्र शब्द से की है, आप साफ देख सकते हैं। ये एक और दूसरे पत्र में जो भगत सिंह जी ने लिखा है उसमें वो ओम की शब्द से शुरुआत कर रहे हैं और अपना संवाद करने के लिए परमात्मा जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सब पत्रों में साफ दिख रहा है कि भगत सिंह जी संवाद करने के लिए अपने दादाजी के साथ, अपने परिवार वालों के साथ साफ साफ अपने पत्र की शुरुआत ओम के पवित्र शब्द से कर रहे हैं, परमात्मा ईश्वर जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कोई भी नास्तिक व्यक्ति क्या परमात्मा, ईश्वर, ओम जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है? कभी भी नहीं। और आपको एक और बात बता दूं कि जिसके पूर्वज का यजोपवीत संस्कार खुद महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने हाथों से किया हो, वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में नास्तिक नहीं हो सकता। भगत सिंह जी के दादाजी का यजोपवीत संस्कार खुद अपने हाथों से महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया था।
अपने पत्र में खुद भगत सिंह जी लिखते हैं कि जब उनका यजोपवीत संस्कार हुआ तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी, वो इसी प्रतिज्ञा को पूरी करने जा रहे हैं। मतलब उन्हें पता था कि वो देश के लिए बलिदान होंगे, तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा पहले ही ले ली थी जब उनका यजोपवीत संस्कार हो रहा था। और खुद भगत सिंह जी का यजोपवीत संस्कार आर्य समाज के प्रखंड विद्वान पंडित लोकनाथ तर्कवाचस्पति जी ने किया था, जो राकेश शर्मा भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं, प्रथम एस्ट्रोनॉट है, फर्स्ट एस्ट्रोनॉट है, उनके पिताजी थे। भगत सिंह ऐसे ही पैदा नहीं होते हैं, उनको पैदा करने के लिए सरदार किशन सिंह जी जैसा व्यक्तित्व चाहिए, उनको पैदा करने के लिए अर्जुन सिंह जी जैसा उनका दादाजी चाहिए, और जिनका यजोपवीत संस्कार महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया हो। जिस व्यक्ति का जो है यजोपवीत संस्कार खुद पंडित लोकनाथ तर्कवाचस्पति जी जैसी शख्सियत ने किया हो, वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में नास्तिक नहीं हो सकता है। वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि उसका विश्वास परमात्मा में न हो। ये सब षड्यंत्र फैलाया जा रहा है। अगर आप भगत सिंह जी पर बनी फिल्में भी देखें तो हालांकि धुंधली ही सही, भगत सिंह जी के ऊपर एक बॉलीवुड में फिल्में बनी थी जिसमें अजय देवगन हीरो था, अगर आप उसमें पीछे एक सीन में जो फोटो देखें तो धुंधली ही सी जरूर है, लेकिन वो फोटो है महर्षि दयानंद सरस्वती जी की। ये सब बातें प्रमाणित करती हैं, और ऐसे ऐसे न जाने कितने प्रमाण हैं जो ये बताते हैं कि खुद भगत सिंह जी कट्टर आर्य समाजी परिवार से थे, वो विचारधारा रखते थे, वो परमात्मा में विश्वास रखते थे, वो ईश्वर में विश्वास रखते थे। ये सब षड्यंत्र इसलिए फैलाया जा रहा है ताकि हमारे देश का युवा परमात्मा में विश्वास करना छोड़ दे, ईश्वर में विश्वास करना छोड़ दे, और जब वो इन सब चीजों से दूर हो जाएगा तो उसमें कुछ भी नहीं रहेगा, वो उस फर्नीचर की तरह हो जाएगा घर में रखे हुए, जिसको न कोई पूछता हो, जिसको अंदर से डीमक लगी हुई है, जो अंदर से खोखला है। इस तरीके का युवा ये षड्यंत्र करने वाले लोग हमारे देश के युवाओं को बनाना चाहते हैं। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि अगर आप अपने हीरो, अगर आप अपने आइडियल को मानते हैं तो उसको जानिए भी जरूर, अपने जीवन में एक बार ये पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश जरूर पढ़े जो खुद भगत सिंह जी ने पढ़ी थी। ये पुस्तक जो लाखों क्रांतिकारी पैदा कर गई थी आजादी के समय में, जिन्होंने आजादी के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी, अपनी जान बलिदान दे दिया, ये पुस्तक अपने जीवन में जरूर पढ़ें, जो आपके हीरो ने भी पढ़ी थी, जो आपके आइडियल ने भी पढ़ी थी। और आज के बाद अगर कोई भी व्यक्ति आपके सामने ये बात कहे कि भगत सिंह जी नास्तिक थे, तो उसके मुंह पर ये सारे प्रमाण जरूर फेंक कर मार देना, ताकि वो अपने षड्यंत्र में सफल न हो सके। भगत सिंह जी की तरह ही, अपने हीरो की तरह ही ईश्वर में विश्वास करिए, परमात्मा में विश्वास करिए, और अपने देश के लिए डीमक न बनिए, अपने देश के लिए एक ऐसा युवा पीढ़ी बनिए जो देश को आगे चलकर भविष्य में जो है दोबारा से एक ऐसा भारत बना सके। आप जो भगत सिंह जी जैसे, जो चंद्रशेखर आजाद जी जैसे हमारे क्रांतिकारियों ने देखा था। धन्यवाद। जय हिंद।